और अब बुलेटिन में खबरों को विस्तार से आपको दिखा रहे हैं। और सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक में नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए, गोविंद सिंह भी शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने ये बैठक ली है। सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर इस बैठक में चर्चा हुई है। एनपी प्रजापति और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी इस बैठक में मौजूद थे। सर्वदलीय बैठक जो चल रही थी अब वो समाप्त हो चुकी है। आपको बता दें मॉनसून सत्र शुरू होने वाला और कल से ही इसकी शुरुआत होने जा रही है। और इसके पहले सर्वदलीय बैठक जो बुलाई जाती है ताकि सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चल सके और जो कामकाज हैं साथ ही जो सवाल लगे हैं उन सवालों का जवाब भी मिल सके, इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने ये बैठक बुलाई थी। सर्वदलीय बैठक जिसमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी मौजूद रहे, साथ ही साथ प्रदेश के गृह मंत्री संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस बैठक में मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनपी प्रजापति भी मौजूद रहे, कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और सर्वदलीय बैठक जो है वो अब समाप्त भी हो चुकी है। विधानसभा सत्र से पहले यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और सुचारू रूप से शांतिपूर्ण तरीके से यह सत्र चल सके इसको लेकर यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें चर्चा हुई और चर्चा के बाद यह बैठक समाप्त भी हो चुकी। वासु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु क्या जानकारी? वासु आप सुन पा रहे हैं? कल से बेहद महत्वपूर्ण मध्यप्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। और उससे पहले आज जहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और विधायक दल की बैठक के ठीक बाद जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं गिरीश गौतम, उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें कांग्रेस की ओर से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा शामिल हुए। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस पूरी बैठक में भाग लेने पहुंचे। गिरीश गौतम की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है और सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए बैठक में रणनीति बनी है। जो सवाल विधायकों की ओर से लगाए गए हैं, जो विधानसभा क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं हैं, विधायक जो मुद्दे इस दौरान सदन में रखेंगे तो उनका पूर्ण रूप से सोल्यूशन हो सके और सदन सुचारू रूप से चल सके। 5 दिन करीब विधानसभा चलने वाली है और उस दौरान कई सारे ध्यान आकर्षण आंतर और जो शून्यकाल हैं, प्रश्न हैं और अन्य जो विधानसभा का अलग अलग जो बिजनेस होता है वो तमाम चीजें जो है वो पटल पर रखी जाएंगी। और बिल्कुल बिल्कुल, और इस बात को लेकर तो विधानसभा अध्यक्ष कह भी चुके हैं कि शनिवार को भी हम सत्र चलाने वाले हैं ताकि जो सवाल हैं उनके अधिक से अधिक जवाब निकल कर आ सके। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए वासु। आगे बढ़ते हैं। 2000 के नोट बिना किसी आईडी प्रूफ के बदले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें नोट बदलने के लिए आईडी प्रूफ अनिवार्य किए जाने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि यह आरबीआई की पॉलिसी डिसीजन है। 2000 के नोट बदलने के लिए किसी आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। बिना आईडी 2000 के नोट बदले जाने के आरबीआई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका खारिज कर दी और कहा कि ये आरबीआई का पॉलिसी डिसीजन है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से पहले हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने भी कहा था कि पॉलिसी डिसीजन में अदालत को दखल नहीं देना चाहिए, जिसके बाद अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 2 बार अर्जेंट हियरिंग की अपील भी की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। आरबीआई ने 19 मई को 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया था, जिसके बाद देश भर के बैंकों में नोट को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। लोग बैंकों में अपने अपने नोट बदलने के लिए पहुंचने लगे। आरबीआई ने 30 सितंबर तक नोट बदलने या अकाउंट में जमा कराने को कहा है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 2000 के नोट सर्कुलेशन से वापस लिए जा रहे हैं, लेकिन बाजार में जो नोट है वो अमान्य नहीं होंगे। लोग किसी भी बैंक में एक बार में 10 नोट बदलवा सकते हैं, जबकि डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 30 जून तक बैंकों को 2000 रुपए के 76% नोट मिले हैं।
अब तक वापस आए नोटों की टोटल वैल्यू 2.72 लाख करोड़ रुपए है। आरबीआई के अनुसार सर्कुलेशन से वापस लिए 2000 रुपए के नोटों में से करीब 87% डिपॉजिट के रूप में है, जबकि बाकी के नोटों को बदल दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ में शराब पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर यह आरोप लगा रही है तो सरकार भी बीजेपी को घेर रही है। बात है गंगाजल की, देखिए। छत्तीसगढ़ में शराब पर सियासत लगातार जारी है। चुनावी साल में कथित शराब घोटाले से लेकर शराबबंदी तक का मामला गर्म है। बीजेपी सरकार को घेर रही है तो सरकार की ओर से विपक्ष को जवाब दिया जा रहा है। शराब को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। शराब फैक्ट्रियों से बिना एक्साइज ड्यूटी पटाए शराब की पेटियां निकली तो सबसे पहले तो डिस्टिलरों के खिलाफ कार्रवाई होनी थी। अब इन लोगों से इनके क्या संबंध है रमन सिंह के? केवल 3 डिस्टिलर ही क्यों? और जब नियम बनाए हैं और केवल 3 डिस्टिलरों को देना है, प्लेसमेंट एजेंसी नियुक्त करने का काम किया, वो सारे पॉलिसी वही चल रहा है। हम इन 4.5 साल में उसमें कोई चेंज नहीं किए, वही डिस्टिलर हैं, वही दुकानें हैं, वही प्लेसमेंट एजेंसियां हैं। तो आखिर क्या समझ के इसको किए थे? और रमन सिंह जी बताए, इनसे आपके संबंध क्या है? प्रदेश में शराबबंदी की मांग बीजेपी करती रही है और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाती रही है। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से मंत्री मोहम्मद अकबर ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार शराबबंदी की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। शराबबंदी के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो 2 बातें हुई। पहले तो ये कि सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी से एक प्रतिनिधि की मांग की गई थी कि भाई नाम भेजो और हमारे साथ इस अभियान में शामिल होकर जो मीटिंग होगी उसमें तय करना है। उन्होंने आज तक नाम नहीं भेजा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नाम नहीं आया। बीजेपी ने शराबबंदी को लेकर सरकार को घेरा है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार को शराब की अवैध कमाई की लत लग चुकी है। इस सरकार को अब शराब की अवैध कमाई की लत लग गई है। ये सरकार लतखोर हो गई है, रोज नई नई बातें करते हैं। कम से कम मोहम्मद अकबर जी को तो गंगा जल के बारे में बात नहीं करना चाहिए और नई नई बात कर नए नए मुद्दे उछाल कर अपने अंदर गिरेबान में झांक कर देखें। मोहम्मद अकबर जी, आने वाले समय पर आपकी भी वही गति होना है जो गति टीएस सिंहदेव जी की हुई है, जो कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के प्रमुख थे और आज वो सिर छुपाकर घूम रहे हैं। आने वाले समय पर आपकी भी यही स्थिति होने वाली है। सियासी वार पलटवार का दौर लगातार चल रहा है। बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाती है तो सरकार भी पलटवार करती है और दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाकर बयानों के तीर चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बरेली की ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य इन दिनों देश भर में बहस का मुद्दा बने हुए। पति ने जिसे पढ़ाया लिखाया उस पत्नी ने अधिकारी बनने के बाद पाला बदल दिया, ऐसे ही आरोप ज्योति मौर्य पर लग रहे हैं और ज्योति के बहाने हर महिला पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बेटी पढ़ाओ पत्नी नहीं का नारा बुलंद किया जा रहा है। कई पतियों ने तो पत्नियों को पढ़ाना तक भी बंद कर दिया। ये सोच कितनी सही है, इस पर आप कोई फैसला लें उसके पहले देवास की ममता बाई और कमरू की कहानी भी जानना जरूरी है। अपने पति को पढ़ाने के लिए ममता नौकरानी बनी, लेकिन पति जब पढ़ लिख कर अफसर बन गया तो उसे पत्नी मानने से ही इनकार कर दिया। जिस पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया, अधिकारी बनने के बाद उसने नाता ही तोड़ दिया। यूपी के ज्योति मौर्य आलोक मौर्य की इस कहानी की चर्चा पूरे देश में है। जब आलोक मौर्य ने अपनी दास्तान सुनाई तो उसके आंसुओं पर पूरा देश पिघल गया। कई पतियों ने तो अपनी पत्नियों को पढ़ाना तक बंद कर दिया,
ज्योति मौर्या को बेवफा बताकर सभी महिलाओं को शक की नजर से देखा जा रहा है। अगर आप भी ऐसी सोच रखते हैं तो जरा इस महिला को सुनिए। पीएससी की तैयारी कर रहे थे जी। मैंने लोगों के घर काम करा, झाड़ू पोछा करा, बस तक की कंडक्टरी तक करी। कहाँ पे करी? ये इंदौर में। इंदौर में हाँ। ये मामला भी बिल्कुल ज्योति आलोक जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि पति की जगह पत्नी के साथ हुई है बेवफाई। यूपी के आलोक की तरह देवास की ममता बाई को मिला है धोखा। पीएससी की तैयारी कर रहे थे जी। मैंने लोगों के घर काम करा, झाड़ू पोछा करा, बस तक की कंडक्टरी तक करी। कहाँ पे करी? ये इंदौर में। इंदौर में हाँ। ममता बाई ने पति को पढ़ाने के लिए घरों में नौकरानी तक का काम किया। पत्नी के सहयोग से पति कमरू सेल्स टैक्स अधिकारी बना, लेकिन अफसर बनते ही वो पत्नी को भूल गया। बागली इलाके में रहने वाली ममता बाई के मुताबिक पहले पति की मौत के बाद अलीराजपुर के जोबट में रहने वाले कमरू से उसकी नजदीकी बढ़ी। वो 3 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। इस दौरान कमरू इंदौर में रहकर पीएससी की तैयारी कर रहा था। कमरू की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। ममता बाई का कहना है कि उसने अपने पैसों से कमरू को पढ़ाया। वो बताती हैं कि इसके लिए घर घर नौकरी और बस में कंडक्टरी भी की, अपने बच्चे तक को छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही कमरू का सिलेक्शन पीएससी में हुआ, उसकी नीयत बदल गई और उसने ममता को पत्नी मानने से ही इनकार कर दिया, दूसरी शादी भी कर ली। शुरू से यानी कि रतलाम का बताऊं कि शुरू से पढ़ाया लिखाया वहाँ, मेरी धार में हुई थी जी। हाँ। आपने लव मैरिज करा था जी सर। हाँ। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लव मैरिज करके मेरे को उनके घर ले गए। हाँ। उनके घर ले जाने के बाद हम इंदौर आ गए जी। जी। इंदौर आने के बाद मैंने लोगों के घर झाड़ू पोछा बर्तन करा, स्कूलों में काम करा। जिससे लव मैरिज करा था वो कुछ नहीं करता था क्या? कुछ नहीं करते थे, पढ़ाई करते, बेरोजगार थे। बेरोजगार था। पढ़े लिखे थे? पढ़े लिखे थे, तैयारी कर रहे थे, पीएससी की तैयारी कर रहे थे जी। मैंने लोगों के घर काम करा, झाड़ू पोछा करा, बस तक की कंडक्टरी तक करी। जब एक बार ऐसा हुआ हमारे हाथा पाई, इसको बाद नहीं रखू तेरे को, ये वो अनपढ़ है, ऐसा करके मेरे को घर भेज दिया, या मम्मी पापा के यहाँ भेज दिया। फिर मैंने एसडब्ल्यू साहब के यहाँ खाना बनाया, उनके यहाँ भी झाड़ू पोछा बर्तन करे। फिर उन्होंने मेरी मदद करी, उन्होंने हेल्प करी मेरी। फिर उन्होंने उसको थाने में बुलाया छोटा सा आवेदन देके, तो उन्होंने फिर मेरे को समझौता करके ले गए कि मैं तेरे को रखूंगा जीवन भर तक। 4 महीना बाद फिर वापस मेरे को छोड़ के भाग गए रतलाम। कि उधर ही लो मैरिज कर ले, हमको तो पता ही नहीं कि इन्हें लो मैरिज करी है। इन्हें उधर ही लो मैरिज कर ले, और उधर जाने के बाद में फिर इनका भाई होना सब नाराज हो गए। इनका पिताजी ने तो बोले तुमने हमको पूछ के नहीं करा, तो ऐसे करके नहीं का कोई यहाँ का सेज नहीं मिल रहा बेचारे, क्या करो। मेरी लड़की बहुत परेशान है। ममता बाई का कहना है कि उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन अधिकारी बनने के बाद कमरू ने साथ रहने से इनकार कर दिया। बागली न्यायालय में उनका मामला भी चल रहा है। ममता बाई ने बताया कि 12,000 रुपए प्रतिमाह भत्ता कमरू को देना था, जो कि लंबे समय से नहीं दिया गया। कमरू की पोस्टिंग रतलाम में है। ये भी बताया कि जब कमरू ने रिश्ता तोड़ा तो ममता जन सुनवाई में भी पहुंची थी और महिला बाल विकास विभाग की टीम ने समझौता कराते हुए उनकी शादी करवाई थी। बरेली के एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला सुर्खियां बटोर रहा है। उसके पति आलोक मौर्य के आरोपों के बाद ये तक बहस छिड़ गई है कि पत्नी को पढ़ाना, आगे बढ़ाना कितना सही है। ऐसी सोच का जवाब है ममता कमरू का ये मामला। अगर ज्योति या कमरू ने बेवफाई की है, अगर उन पर लगे आरोप सच हैं, तो ये जाहिर है कि बेवफाई का महिला या पुरुष होने से कोई नाता नहीं। जिन रिश्तों का आधार प्यार होता है, वो पद या पोस्ट से बिगड़ते नहीं। वरुण राठौर, News 18, देवास। छत्तीसगढ़ में पार्टियां चुनावी घोषणा पत्र बनाने में जुट गई हैं। बीजेपी ने घोषणा पत्र समिति का ऐलान कर दिया, तो कांग्रेस में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अपने घोषणा पत्र समिति में शामिल होने से इनकार कर दिया। सियासत दोनों ही फैसलों पर हो रही है। बीजेपी की घोषणा पत्र समिति पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है, तो बीजेपी भी हमलावर हो गई है और टीएस बाबा के बहाने तंज कस रही है। देखिए रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को प्रदेश में अब नेताओं का अकाल हो गया है, उनके पास कोई नेतृत्व अब रहा नहीं। चुनावों में घोषणा पत्र की अहम भूमिका होती है, पार्टियां इसी के आधार पर जनता के बीच जाती हैं। घोषणा पत्र तैयार होने के बाद सियासत भी खूब होती है।
वादे वचन घोषणाओं पर घमासान भी छिड़ता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो घोषणा पत्र के लिए टीम बनाए जाने पर ही सियासत शुरू हो चुकी है। सीएम भूपेश बघेल का यह तंज विजय बघेल को लेकर है, जिन्हें बीजेपी घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाया गया है। उन्होंने बीजेपी की घोषणा पत्र समिति पर भी सवाल उठाए हैं। सीएम ने कहा कि जिसे बीजेपी की आइडियोलॉजी ही पता नहीं वो घोषणा पत्र बनाएंगे, तो क्या बीजेपी के पास प्रदेश में नेताओं का अकाल है? विजय बघेल जी जो कांग्रेस में थे, मेरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष थे पाटन के, फिर वो निर्दलीय लड़े, फिर एनसीपी विधानसभा चुनाव लड़े, अब वो भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र बनाएंगे। तो जिसको भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी पूरा मालूम नहीं, जिसको उन्होंने जिया नहीं है, है ना, वो घोषणा पत्र बनाएंगे। मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को प्रदेश में अब नेताओं का अकाल हो गया है, उनके पास कोई नेतृत्व अब रहा नहीं। लेकिन सवाल सिर्फ कांग्रेस नहीं उठाती। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के कांग्रेस घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष न बनने के फैसले पर पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम निशाना साधते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र के पुराने वायदों को पूरा नहीं किया। इससे नाराज होकर सिंहदेव ने घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से घोषणा पत्र बनाने के पहले एक कमेटी बनाई थी सरकार बनने के पहले, और उसके अध्यक्ष टीएस सिंहदेव थे, एक भी उसमें से किसी भी घोषणा का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हुआ, पालन नहीं हुआ। इससे नाराज होकर के टीएस सिंहदेव जी, उन्हें रिजाइन करना पड़ा या फिर इस समिति में शामिल होने से उन्होंने मना कर दिया। घोषणा पत्र पर वार पलटवार का दौर जारी है। प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी इस पर बयान देते हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी के घोषणा पत्र पर जनता को भरोसा नहीं है। कवासी लखमा ने यह भी कहा कि उनका घोषणा पत्र तो खुद सीएम भूपेश बघेल हैं। घोषणा पत्र, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को छत्तीसगढ़ के लोग विश्वास नहीं करेंगे। पहले इन लोग घोषणा पत्र लिखे थे, आदिवासी को जर्सी गाय देंगे, हर व्यक्ति को नौकरी देंगे, हर 2100 रुपया में दान कर दिया होगा, 300 रुपया बोनस देंगे, तो दिया नहीं। इनका घोषणा पत्र कोई लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ना है, हमारा घोषणा पत्र भूपेश बघेल है। प्रदेश में चुनावी सरगर्मी बढ़ती ही जा रही है। घोषणा पत्र बनने से पहले ही घमासान छिड़ चुका है। नेताओं के बयान से सियासी माहौल गर्म है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र की तैयारी इसलिए हो रही है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, और इसके लिए अपनी अपनी कमेटियां बना ली हैं दोनों ही दलों ने। लेकिन अब कमेटी में कौन शामिल हुआ है, कौन शामिल नहीं हुआ है, क्या वाकई में जनता को इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, या फिर आपने काम पिछला क्या किया है और क्या घोषणाएं करने वाले हैं इससे फर्क पड़ने वाला है? लोग अपने अपने तरीके से राय दे रहे हैं, लेकिन इस पर सियासतदान कुछ अलग एंगल से सोच रहे हैं। और मेरी शर्ट दूसरे की शर्ट से ज्यादा सफेद है, दूसरे की शर्ट मेरी शर्ट से कुछ मटमैली है, ये कुल मिलाकर ये छत्तीसगढ़ में राजनीति इन दिनों इसी प्रकार से कुछ चल रही है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है ये देखना होगा। फिलहाल आज इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।